हेलो दोस्तों, आज पूरा देश जानना चाहता है कि 14 जून को जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी वो एक हत्या थी या एक सुसाइड। और दिन पर दिन जैसे दिन निकलते जा रहे हैं ये गुत्थी और ज्यादा सुलझती हुई दिख नहीं रही है। इसमें कुछ नए नए पहलू आ रहे हैं। पहले बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो थी वो एक सुसाइड थी नेपोटिज्म की वजह से, और ये भी बोला गया कि उन्हें कोई मानसिक प्रॉब्लम थी, मेंटल इलनेस थी उनको, किसी तरह की लाइक डिप्रेशन एंड अदर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बट जैसे जैसे वक्त बीता कुछ सेलिब्रिटीज आ गया, जिसमें से कंगना रनौत सबसे ज्यादा आगे थी, और उन्होंने बताया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में एक परिवारवाद की प्रथा चलती है जिसकी वजह से कई नए न्यू कमर्स को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ज्यादा वोकल रही और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी होने की वजह से इस चीज को लाइमलाइट में लाना उनके लिए आसान था। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ है, अब रिसेंटली उनके मनाली वाले घर पे उन्होंने कहा है कथित रात को 11:30 बजे के करीब कोई गोली चली है। ऑल्दो कहीं गोली के खोखे या शेल कुछ मिला नहीं है, बट उनकी कंप्लेन पर मनाली हिमाचल पुलिस ने वहां पर सख्ती बरतते हुए सिक्योरिटी पोस्ट कर दी है। अब कंगना रनौत पर ये क्यों चली है, रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी वजह से चली है, बट रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि सीएम उद्धव ठाकरे जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सीएम जो है, उन्होंने भी इस तथा कथित हत्याकांड या फिर सुसाइड जो सुशांत सिंह राजपूत का है उस पर अभी तक कुछ अच्छी से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो उन्होंने एक तंज कसते हुए, एक सरकास्म मारते हुए उन्होंने ये बोला था। अब कई लोग इसे इस तरह से जोड़कर देख सकते हैं और कई लोग ये जोड़ सकते हैं कि क्योंकि कंगना बहुत ज्यादा वोकल रही है नेपोटिज्म के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो एक ग्रुप है कोर ग्रुप वो इन्हें दबाना चाहता है। अब रिसेंट क्या हुआ है, रिसेंट में कई लोगों ने कुछ नए बयान दिए हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त तथाकथित पार्टनर्स या तथाकथित प्रोफेशनल रिलेशंस में रहे हैं। अब उनमें से एक जो थे वो है समिता पारिक। समिता पारिक जो है अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का फैमिली फ्रेंड भी बताती है, उनके करीब काफी करीबी दोस्त भी कही जाती है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर ही नहीं सकते, वो एक ऐसे व्यक्ति है नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने काफी वक्त इनके साथ बिताया है और उनकी मौत से भी पहले कुछ टाइम पहले भी मैंने उनके साथ काफी घंटे बिताए थे जहां पर उन्हें कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं दिखे थे, ना ही कोई मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम दिखी थी, ना ही उन्होंने कभी मुझसे ऐसा कुछ डिस्कस किया। पर वहीं पर फिर सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके एक दोस्त थे सिद्धार्थ पिटानी। सिद्धार्थ पिटानी ने इनिशियली ये कहा कि भाई मैंने उनके रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ उनके घर वालों को काफी कुछ बताया और इस वजह से जो FIR हुई है बिहार में वो इसी बुनियाद पर हुई है कि उन्होंने बताया कि रेहा चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को कैसे कंट्रोल किया हुआ था। बट हाल ही में उन्होंने एक एप्लीकेशन देते हुए बंबई पुलिस को ये कहा कि मुझ पर जो है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने दबाव दिया था। अब इस कहानी में जैसे जैसे लोगों के नए बयान आ रहे हैं, नए नए एंगल, नए नए पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, ये कहानी और उलझती हुई नजर आ रही है, सुलझती कुछ नहीं है। अब उसके बाद बंबई पुलिस का जो रवैया रहा, बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई SIT उसके खिलाफ, अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा कि किस तरह से उन्हें जबरन एक वैन में ले जाकर जबरदस्ती बंद कर दिया गया, ना ही उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने दी गई, यहां तक कि हॉस्पिटल ने भी उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से मना कर दिया, रिकॉर्ड देने से भी। तो दोस्तों ये जो गुत्थी है ये कभी आसपास में कहीं सुलझती नजर नहीं आ रही, लोगों की अटकलें हैं कि एक सुसाइड था, क्योंकि एक अच्छा खासा इंसान जो हंसता खेलता है, जिसका एक प्लान था, जिसका शेड्यूलर था 29 जून के लिए, बल्कि एक पूरे महीने के लिए, वो उसके आधे महीने में यानी 14 जून को सुसाइड कर लेता है, ये भी बात समझती नजर नहीं आती। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है नीतू, वो कहती है कि मैं 8 जून तक अपने भाई के साथ रही और मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने बस एक नजरिया और दिया, उन्होंने कहा कि उनकी जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, जिनकी हत्या कुछ 10 या 15 दिन पहले हो गई थी, हत्या या फिर सुसाइड जो कहा जा सकता, क्योंकि वो भी संदिग्ध अवस्था में हुई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मौत थी, सुसाइड थी या हत्या थी, पर डिक्लेयर कर दिया गया कि दैट वाज अ सुसाइड, तो मुझे सुसाइड मानकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर सुशांत काफी परेशान थे और ये कहा करते थे कि अब वो लोग इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सुशांत को अपनी जिंदगी के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखता था। सुशांत सिंह राजपूत के वकील जो हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया इकोनॉमिक टाइम्स में जो कि 1 अगस्त को प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को पहले से ही खतरा था कि उनके ऊपर कुछ होने वाला है और उनके आसपास के संबंधी ही कुछ कराएंगे। तो उन्होंने फरवरी 25 को DCP डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंड्रा को एक रिटन कंप्लेन या फिर एक मैसेज पहुंचाया था, जहां उन्होंने ये मेंशन किया था कि ही इज इन बैड कंपनी, यानी वो कुछ ऐसे लोगों के बीच में है जो उन्हें खतरा पहुंचा सकते हैं। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई ये अभी तक मीडिया में ना ही पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया है, तो इसमें मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर उसके कुछ दिन बाद ही सुशांत की हत्या हो जाना या फिर सुसाइड कर लेना जो कि कहा जा रहा है, ये शक पैदा करता है कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ पिटानी का खुद का बयान
जो कि खुद अपनी ही बातों को काट रहा है। वो इंसान अपने आप को कहता है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट रहा, मैं उनके साथ रहता था, और अचानक वो कहता है कि मेरे चक्रवर्ती को जानता ही नहीं। फिर उसके बाद उनका ये कहना कि एक लेटर उन्होंने जो पुलिस को दिया है, और रेहा चक्रवर्ती जो संदिग्ध है उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है ट्रांसफर द केस, जो FIR हुई है बिहार में, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन को बॉम्बे ट्रांसफर कर देना, इस बात में वो मेंशन है कि सिद्धार्थ पिटानी ने एक लेटर दिया है। अब ये बात सिर्फ पुलिस को पता हो सकती थी, क्योंकि अगर सिद्धार्थ पिटानी ने पुलिस को लेटर लिखा है तो यही बात रिया चक्रवर्ती की ही एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है उसमें ये कैसे दिख सकती है? या तो फिर शक सीधा पैदा होता है, या तो पुलिस बता रही है या सिद्धार्थ पिटानी ने खुद बताया है। तो ये सारी बातें जो कहती है कि पहली चीज इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर नहीं हो रही है, बंबई पुलिस की कार्रवाई पर शक पैदा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बंबई पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही है या गलत है, पर शक पैदा हो रहा है, तो एक निष्पक्ष जांच होने के लिए सीबीआई डिमांड होनी चाहिए। अब रेहा दीदी की बात रही, रेहा दीदी जो है शुरुआत में जब ये इन्वेस्टिगेशन चली तो बंबई पुलिस की एक जो हम कमी कहे या फिर कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन में जो एक कमी थी वो ये है कि बंबई पुलिस ने उन्हें 16 दिन बाद, सुसाइड के 16 दिन बाद बुलाया, बल्कि 25 तारीख की जब फरवरी 25 के उस मैसेज में वो डीसीपी बैंड्रा को दिया गया था उसमें ये कहा गया कि इनको इनके आसपास के लोगों से खतरा है, तो इस चीज को जोड़ा क्यों नहीं गया उनकी सुसाइड के साथ, और पहले कार्रवाई क्यों नहीं गई 16 दिन बाद क्यों? बल्कि 16 दिन से पहले पुलिस ने किसको बुलाया? कंगना रनावत को, कुछ डायरेक्टर्स को। सबसे पहले एक नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, और उसके बाद रेहा चक्रवर्ती ने कभी भी ऐसा अपने को खतरा महसूस नहीं किया कि वो पब्लिक में आए, अपने नजरिया रखें या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन मूव करें। लेकिन जैसे ही बिहार में ये इनके खिलाफ एक FIR हुई है जो कि 306, 420, 341, 442, 380 और 406 की धारा IPC के अंतर्गत है, इसके अंदर हुई, तो इनको तुरंत से खतरा महसूस हुआ और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन मूव कर दी कि ट्रांसफर किया जाए इस इन्वेस्टिगेशन को बॉम्बे में। ऐसा क्या है कि बॉम्बे पुलिस तो ज्यादा रिलाई कर रही है बिहार पुलिस पे नहीं, ये तो भगवान ही जानता और वक्त ही बताएगा। अब इनको खतरा क्या है? दीदी को खतरा यह है कि 306 जो है ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कम से कम जो है पुलिस को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, और 10 साल की सजा हो सकती है रेहा चक्रवर्ती को अगर वो इसमें मुलजिम ठहराई जाती है। अब 306 एग्जैक्टली है क्या? 306 कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को हम उकसाते हैं अगर सुसाइड करने के लिए तो ये जो है एक क्राइम माना जाता है और इसके लिए आपको सजा हो सकती है 10 साल तक की कैद। तो रेहा चक्रवर्ती के ऊपर कई जगह से सवाल उठते हैं। पहला, कुछ लोग कहते हैं कि रेहा चक्रवर्ती की वजह से ही इन्होंने अपना घर चेंज किया, फिर रेहा चक्रवर्ती जो थी वो उन्हें एक मेंटल क्या कहते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती थी जिन्होंने उनका इलाज किया है। अब सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने भी यही FIR में लिखा है कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसमें स्पेसिफिकली मेंशनड है कि अगर आपको किसी की भी फैमिली के मेंबर को मेंटल डिप्रेशन या ऐसी कोई बीमारी है तो उसके घर वालों की मर्जी और उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर ही आप उसका इलाज चालू कर सकते हैं, पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये काफी सारे पहलू थे जिन पर पुलिस को देखना चाहिए, जिन पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कई लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की, जिसपे मैं भी सहमत हूं, क्योंकि बिहार पुलिस को बिल्कुल भी सपोर्ट करती हुई नहीं दिख रही है हमारी मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस का जो रवैया फिलहाल रहा है उसमें काफी हमें कमियां दिखती हैं। तो आगे जानते रहेंगे हम इसमें कि क्या होता है। बाकी आप मुझे लिखिए कि कमेंट बॉक्स में कि मैं किस एंगल पे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, और आप क्या जानना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, हत्या या फिर सुसाइड से रिलेटेड, या फिर कोई और नया टॉपिक जिसपे आप चाहें कि मैं डिस्कस करूं।